Good morning to all my dear students of class 1. Today I am here to teach you the subject maths, chapter number 1. So let's begin now. The name of chapter is Shapes and Space. Page number 12. आपने last class में शेप्स एंड स्पेस के बारे में पढ़ा था. अब हम देखते हैं पेज नंबर 12 आपका होमवर्क है और ये कैसे करना है मैं आपको समझा रही हूँ. देखिए क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क है आपका. इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो ड्रॉ. स्पेस मीन्स जगह. ये जो नीचे जगह दी गई है प्रोवाइडेड दी गई है नीचे के साइड में उसमें आपको ड्रॉ करना है बनाना है. क्या बनाना है? क्यूब. क्यूब का शेप बनाना है. क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का शेप बनाना है. ये नीचे दिया गया है क्यूबॉइड का शेप. इस शेप को बनाना है. यहाँ सिलेंडर. सिलेंडर का शेप बनाना है. कोन का शेप बनाना है. और स्फीयर. स्फीयर का शेप बनाना है. तो ये आप इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ जो स्पेस दिया गया है इसमें. क्वेश्चन नंबर 12 है. फ्रॉम अ मैगजीन कट एंड पेस्ट पिक्चर्स विच हैव द सेम शेप्स एज गिवन. ये नीचे जो शेप दिए गए हैं इस शेप का हमको कटिंग करना है. कहाँ से? मैगजीन से, न्यूज़पेपर से या आपकी ओल्ड बुक. ओल्ड बुक में भी आपको मिल जाएंगे, मैगज़ीन में मिलेंगे, न्यूज़पेपर्स में मिलेंगे. तो इस शेप को की कटिंग करनी है आपको और यहाँ पर पेस्ट करना है. वैसे ही ये इस शेप को भी आपको कटिंग करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है. तो अभी आप ये क्यूब, ये क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड. नीचे है स्फीयर, यहाँ है कोन, ये है सिलेंडर. तो अभी आपको ये क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर इनके शेप्स को कटिंग करके यहाँ पर पेस्ट करना है. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. टॉप बॉटम. टॉप मीन्स ऊपर, बॉटम मीन्स नीचे. यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं उनमें कुछ चीज़ें ऊपर हैं कुछ उनके नीचे हैं. तो हमें देखना है कि कौन सी चीज़ें ऊपर हैं कौन सी नीचे हैं, कौन ऊपर है कौन नीचे है. क्वेश्चन नंबर 13. टिक द करेक्ट वर्ड. इसमें करेक्ट वर्ड पर टिक करना है. टॉप और बॉटम दो वर्ड दिए गए हैं. जो वर्ड आपको करेक्ट लगता है उसमें आपको टिक करना है. द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप और बॉटम ऑफ द टेबल. ये टेबल है, ये बॉय है. बॉय कहाँ खड़ा है? टेबल के ऊपर. तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे, किस पर टिक करेंगे? टॉप पर. द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन है. द कैट इज एट द टॉप और बॉटम ऑफ द चेयर. ये चेयर है, ये कैट है. कैट चेयर के नीचे है. तो हम यहाँ पर बॉटम में टिक करेंगे. द कैट इज एट द बॉटम ऑफ द चेयर. क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं. द कंप्यूटर इज एट द टॉप और बॉटम ऑफ द टेबल. ये कंप्यूटर है, कहाँ पर रखा हुआ है? टेबल के ऊपर. तो यहाँ हम किस पर टिक करेंगे? द कंप्यूटर इज एट द टॉप. टॉप पर टिक करेंगे, टॉप ऑफ द टेबल. लास्ट क्वेश्चन डी. द बॉय इज एट टॉप और बॉटम ऑफ द हाउस. बॉय कहाँ पर खड़ा है? हाउस के ऊपर. ये हाउस है और ये बॉय. बॉय हाउस के टॉप पर खड़ा है. तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, इस पर टिक करेंगे? टॉप पर. द बॉय इज एट द टॉप ऑफ द हाउस. वन मोर टॉपिक. इनसाइड
एंड आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड, ये कुछ फिगर्स दिए गए हैं। इसमें कौन इनसाइड है, कौन आउटसाइड है, इसे हमें बताना है। सुरेश इज टेकिंग बाथ इनसाइड द बाथरूम। सुरेश इज टेकिंग बाथ, नहा रहे हैं कहाँ, बाथरूम के अंदर, इनसाइड। निशा इज स्टैंडिंग आउटसाइड द बाथरूम। निशा कहाँ खड़ी है, बाथरूम के बाहर, तो आउटसाइड द बाथरूम। नेक्स्ट, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, सुरेश इज आउटसाइड द बाथरूम एंड निशा इज इनसाइड टेकिंग बाथ। सुरेश इज आउटसाइड द बाथरूम, सुरेश बाथरूम के बाहर खड़े हैं एंड और निशा इज इनसाइड टेकिंग बाथ, निशा अंदर नहा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका होमवर्क होगा। अभी मैंने समझाया, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अकॉर्डिंग इनसाइड और आउटसाइड नीचे टिक करना है आपको फिगर के अकॉर्डिंग। यहाँ भी फिगर दिया गया है, हट, कैट, रूम, गर्ल, फिश, पॉट। तो हम देखते हैं, द कैट इज़ इनसाइड और आउटसाइड द हट। कैट कहाँ पर है, हट के आउटसाइड, हट मीन्स झोपड़ी। तो हम यहाँ पर किस पर टिक करेंगे, आउटसाइड। बी, द गर्ल इज इनसाइड और आउटसाइड द रूम। गर्ल रूम से बाहर साइड में है, तो हम यहाँ पर आउटसाइड पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, द फिश इज इनसाइड और आउटसाइड द पॉट। फिश पॉट के अंदर है, तो हम यहाँ पर इनसाइड में टिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ऑन अंडर। ऑन मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे। क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ऑन एंड अंडर। ए, टॉय इज अंडर द टेबल। यहाँ स्पेस दिया गया है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ फिल कर चुकी हूँ। टॉय इज अंडर द टेबल, टॉय कहाँ है, टेबल के अंदर है, नीचे है, अंडर नीचे। फ्लावर पॉट इज ऑन द टेबल, फ्लावर पॉट टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, डाइस इज ऑन द टेबल। डाइस, ये पासा है, कहाँ पर है, टेबल के ऊपर, डाइस इज ऑन द टेबल। एप्पल इज अंडर द टेबल, एप्पल टेबल के नीचे है, अंडर द टेबल। सी, गर्ल इज ऑन द स्टूल, गर्ल स्टूल पर है, गर्ल इज, इसलिए यहाँ पर ऑन, गर्ल इज ऑन द स्टूल। क्रिकेट बॉल इज अंडर द स्टूल, क्रिकेट बॉल ये आपको दिख रहा है, क्रिकेट बॉल, सो क्रिकेट बॉल स्टूल के नीचे है, तो यहाँ क्रिकेट इज, क्रिकेट बॉल इज अंडर द स्टूल, क्रिकेट बॉल कहाँ है, स्टूल के नीचे। नेक्स्ट हम देखेंगे डी क्वेश्चन, गिफ्ट इज ऑन द टेबल। गिफ्ट टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पर ऑन, गिफ्ट इज ऑन द टेबल। कैट इज अंडर द टेबल, कैट टेबल के नीचे है, अंडर द टेबल। अब हम ऑन और अंडर पढ़ चुके, हम वी विल लर्न नियरर फार्दर। नियरर फार्दर, नियरर मीन्स नज़दीक, फार्दर मीन्स दूर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, टेक द ऑब्जेक्ट नियरर टू द मैन एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट फार्दर फ्रॉम द मैन। जो ऑब्जेक्ट मैन के पास है उस पर हम टिक करेंगे, जो ऑब्जेक्ट मैन से दूर है उसको हम क्रॉस करेंगे। तो रेड पर टिक है, ये मैन के पास है, कैट मैन से दूर है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस।
पेज नंबर 16 आपका होमवर्क है। ये होमवर्क है, क्या है, यहाँ भी आपको नियरर और फार्दर, नियरर पर टिक करना है, फार्दर पर क्रॉस करना है। ये होमवर्क आपका है। बी सी डी एंड ई, क्वेश्चन नंबर ई, ये पेज नंबर 16 आपका होमवर्क है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम पढ़ेंगे नियरेस्ट एंड फार्देस्ट। अभी आपने पीछे पढ़ा नियरर फार्दर, पास और दूर। अब सबसे पास, सबसे नज़दीक एंड सबसे दूर। नियरेस्ट मीन्स सबसे नज़दीक, फार्देस्ट मीन्स सबसे दूर। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु इज़ नियरेस्ट टू द स्कूल। ये स्कूल है, हमें बताना है कि स्कूल के सबसे पास कौन है। यहाँ मोहित है, रीना है, राम है, तो हमें देखना है कौन सबसे नज़दीक है, नियरेस्ट है। तो हु इज़ नियरेस्ट टू द स्कूल, मोहित, मोहित इज़ नियरेस्ट टू द स्कूल। बी क्वेश्चन, हु इज़ फार्देस्ट फ्रॉम द स्कूल, सबसे दूर कौन है, राम, तो राम इज़ फार्देस्ट फ्रॉम द स्कूल, राम सबसे दूर है। क्वेश्चन नंबर 18, ए हु इज़ नियरेस्ट टू द शॉप, शॉप के नज़दीक कौन है। यहाँ रिया, रीना और रितु खड़ी है, रिया, रीना और रितु, लेकिन कौन सबसे नज़दीक है शॉप के, तो हम देखते हैं रिया, रिया सबसे नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर रिया फिल किया। क्वेश्चन नंबर बी, हु इज़ फार्देस्ट फ्रॉम द शॉप, शॉप से सबसे दूर कौन है, रितु, तो हम यहाँ पर रितु फिल करेंगे, रितु इज़ फार्देस्ट फ्रॉम द शॉप। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ नियरेस्ट टू द होम, ये होम है, यहाँ 3 पेट्स हैं, कैट, डॉग, रैट, कौन सबसे नज़दीक है, नियरेस्ट, हु इज़ द नियरेस्ट टू द होम, कैट, कैट इज़ द नियरेस्ट टू द होम। सेकेंड, हु इज़ द फार्देस्ट फ्रॉम द होम, सबसे दूर कौन सा पेट है, डॉग, डॉग इज़ द फार्देस्ट फ्रॉम द होम, डॉग सबसे दूर है। वी विल लर्न अबव और बिलो, अबव और बिलो, अबव मीन्स ऊपर, बिलो मीन्स नीचे। देखते हैं, इन द पिक्चर सोन अलॉन्ग साइड, ये पिक्चर आपको शो किया गया है इस साइड में, देयर इज़ अ टीवी, यहाँ पर एक टीवी है, फैन है एंड टेबल इन अ रूम, ये टेबल रूम में है। टीवी इज़ बिलो द फैन, टीवी कहाँ पर है, बिलो द फैन, फैन के नीचे, एंड फैन इज़ अबव द टेबल, फैन, फैन कहाँ पर है, टेबल के ऊपर, टेबल से ऊपर फैन है। क्वेश्चन नंबर 20, इन ईच केस टेक द ऑब्जेक्ट अबव द टेबल एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट बिलो द टेबल। यहाँ पर हमें अबव द टेबल, टेबल से ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उस पर हमें टिक करना है, टेबल से नीचे जो ऑब्जेक्ट है उस पर हमें क्रॉस करना है। तो बलून इज़ अबव द टेबल, बलून टेबल के ऊपर है, टेबल से ऊपर है, तो यहाँ हमने टिक किया। बिलो द टेबल बकेट, बकेट इज़ बिलो द टेबल, इसलिए यहाँ पर हमने क्रॉस किया। बी, फिगर बी देखते हैं, बी क्या है, फैन, फैन इज़ अबव द टेबल, फैन कहाँ है, टेबल से ऊपर, अबव द टेबल, इसलिए यहाँ पर टिक किया। ये बॉल, बिलो द टेबल, बॉल कहाँ पर है, बिलो द टेबल, इसलिए यहाँ पर क्रॉस किया। लास्ट टॉपिक है आपका रोलिंग आर स्लाइडिंग,
रोलिंग, घूम घूम कर जाना, रोल करके जाना, और स्लाइडिंग खिसकाना। स्लाइड मीन्स खिसकाना। ये स्टिक हम यहाँ पर स्लाइड कर रहे हैं। तो देखते हैं फिगर में क्या है। इट इज़ रोलिंग, ये क्या कर रहा है, बॉल को रोल कर रहे हैं। थ्रो किया तो बॉल क्या होती है, वो घूम घूम कर जाती है। बट इट इज़ नॉट रोलिंग, इट इज़ स्लाइडिंग। लेकिन यहाँ पर रोलिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर स्लाइड कर रहे हैं। क्या, टीवी को हम टेबल पर स्लाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, टेक द सॉलिड दैट यू कैन रोल एंड क्रॉस द सॉलिड दैट यू कैन स्लाइड। यहाँ पर टिक करना है किस पर, रोलिंग। जो चीज़ें सॉलिड, जो चीज़ें सॉलिड चीज़ें हैं जो रोल हो रही हैं, उनको हमें टिक करना है। तो ये क्या है, स्फीयर, बॉल, ये रोल होता है तो इस पर हमें टिक करना है। डाइस, इसको हमें क्रॉस करना है क्योंकि ये स्लाइड होता है। डाइस, बुक, बुक भी स्लाइड होता है इसलिए क्रॉस। यहाँ पर है टायर, टायर रोलिंग करता है, रोल करता है, ये टिक। यहाँ है क्वाइंस, क्वाइंस में आप रोलिंग रोल भी करता है और स्लाइड भी करता है। जब हम टॉस के लिए क्वाइंस उछालते हैं, थ्रो करते हैं, तो क्वाइंस कैसे आता है, रोल करके आता है। लेकिन जब हम कैरम पे खेलते हैं या ऐसे सरफेस पर रखते हैं कॉइन को, तो क्या करता है, स्लाइड करते हैं उसको, स्लाइड करते हैं। तो यहाँ पर कॉइन स्लाइड भी हो सकता है और रोल भी हो सकता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, आप अपने होमवर्क अच्छे से कीजिए और मन लगाकर स्टडी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू वेरी मच।